आज के ज्योतिष ज्ञान में हम सभी तिथियों के नाम बताएंगे और वह तिथियाँ कौन कौन सी श्रेणी में आती हैं जो सर्वसाधारण को पता लगे कि किस श्रेणी में कौन सी तिथि क्या कार्य करती है। इस विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। कभी भी कोई भी साधना करें तो उन तिथियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो पहली तिथि आती है प्रतिपदा या परवा कहते हैं, दूसरी में द्वितीया, तीसरी में तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ग्यारस या एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी। यह 16 तिथियां इस तरह होती हैं और इन 16 तिथियों को श्रेणियों में बांटा गया है। तीन तीन की श्रेणी है जो साधना में कार्य करती हैं। सही यानी उत्तम कौन सी साधना करनी चाहिए किस तिथियों में, तो इसमें परवा, छठ, ग्यारस यानी एकादशी ये नंदा तिथि हैं, दोज, सप्तमी, द्वादशी ये भद्रा तिथि हैं, तीज, अष्टमी, त्रयोदशी ये जया तिथि है, चौथ, नवमी, चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि हैं, पंचमी, दसवीं, पूर्णमासी, अमावस्या ये पूर्ण तिथि कहलाती हैं। इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी तिथि किस श्रेणी की है जब हम साधना करें। इसी प्रकार से वारों का है, जो 7 दिन होते हैं सप्ताह में, उन वारों को भी इसी प्रकार से जाना जाता है। प्रथम वार है आदित्य वार यानी रविवार, दूसरा सोमवार, चंद्रवार भी कहते हैं, फिर भौमवार, इसे मंगलवार भी कहते हैं, फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इस प्रकार से साप्ताहिक के 7 दिन होते हैं। आदित्य वार को इतवार या रविवार कहते हैं, चंद्रवार को सोमवार कहते हैं, भौमवार को मंगल, बुध को बुध, गुरुवार को बृहस्पतिवार व जुमेरात, शुक्र को जुमा, शनिश्चर को बावर भी कहते हैं। राहु केतु ये दोनों 7 बार में मिलकर नवग्रह कहलाते हैं या नवग्रह इन्हें कहते हैं। इनका यहाँ कोई लेखा नहीं है क्योंकि यह अलग रखे जाते हैं राहु केतु, परंतु अपना महत्व ब्रह्मांड में रखते हैं।